वेलकम डीटीआर में। तो क्या हालचाल आप सभी के। तो बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की। तो हम खेल रहे थे डुओ स्क्वाड, और डुओ स्क्वाड अब जब खेलते हैं ना तो थोड़ा इंटेंस गेम जाता ही है, क्योंकि यहाँ पे अपने साथ कोई और टीममेट्स नहीं है, बस हम दो हैं, सामने पूरी टीम रहती है। तो बिल्कुल काफ़ी खतरनाक गेम जाता है। और आज वाले गेम प्ले में मैं चलाऊँगा स्नाइपर, बोले तो स्नाइपिंग करूँगा मैं, बिल्कुल स्नाइपिंग करूँगा, खतरनाक वाली ही करूँगा। और मेरे हो जाएंगे अकेले के 29 किल, बिल्कुल 30 में एक किल कम, 29 किल। तो गेम प्ले काफ़ी खतरनाक है, इंटेंस है, देखना आप लोग एंड तक। मतलब जहां देखूंगा, जिधर देखूंगा उधर बंदे ही बंदे दिखाई देंगे, घिर जाएंगे बंदों से, पर फिर भी हम कैसे जिंदा निकलते हैं वहां से, वो तो देखने की बात है। तो बिल्कुल देखना, स्टार्ट करते गेम। यहां पे मिलिट्री बेस उतर चुके हैं, आसपास बंदे भी हैं, नहीं है बोट है, उसको मारते हैं और उसके बाद बंदा दिखता है मेरे को। तो यहाँ पे इन भाई के साथ बिल्कुल बुरा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि हम लोग पीछे यहाँ से ऐसे फैल जाएंगे उनको। सामने बंदे हैं उसके, मतलब दूसरी टीम है, तो उससे लड़ने हम जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बच कैसे गया, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे जंप शॉट मारा, जिससे कि बंदे को मैं दिखाई नहीं दिया कि कहाँ गया। एकदम से जंप शॉट मार के उस बंदे के पीछे आ गया, वो मेरे को आगे ही ढूंढता रह गया, और यहाँ पे अपन ने लो एचपी होने के बाद भी उस बंदे को मार दिया। अब मैं यहाँ पे स्मोक करके रिवाइव देता हूँ, तभी एक और बंदा आता है इस टीम का। एक सच्ची दोस्ती का जीता जागता उदाहरण आपने अभी अभी देखा। मतलब ये बंदा सोचा कि स्मोक में कोई नहीं होगा, तो उठा के रिवाइव देने ले चलते हैं, पर स्मोक में से तो हम दोनों निकलते हैं और बिल्कुल यहाँ पे इनकी पेटी हम लोग बना देते हैं। इसी के साथ पूरा मिलिट्री बेस खाली हो जाता है। उसके बाद मैकलेरिन लेके हम जैसे ही पोचिंग की गलियों से निकल रहे थे, तभी हमको आवाज़ आती है कि गोलियाँ चल रही है, तो यहाँ पर टीम्स लड़ रही है। ये क्या था, मतलब कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो फटाफट से गाड़ी घुसाते अंदर। अब ये बंदा डायरेक्ट फिनिश होता है, इसका मतलब कि ये लास्ट था शायद से एक टीम का बंदा। तो एक टीम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी, अब सामने की तरफ दूसरी टीम है जो कि पूरे पूरे चार बंदे। तो गाइस ये वाली फाइट थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो देखो एक एक चीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग और सामने वाले बंदे क्या कर रहे हैं। तो सीन यहाँ पे कुछ ऐसे है कि सामने वाली बिल्डिंग में तीन बंदे थे, जिनमें से दो बंदे हमने फोड़ दिए, एक की तो पेटी भी बन गई। और अब जो है हम सामने रश नहीं कर सकते, क्योंकि राइट में एक बंदा है और सामने जो बिल्डिंग है ना उसके नीचे वाले फ्लोर पे एक बंदा है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा वेट करते हैं, जो नीचे वाला बंदा है ये ऊपर जाएगा रिवाइव देने, और फिर राइट वाले पे तो अपन एम रखते हुए जाएंगे आगे, मतलब जो राइट में उसको अपन देख लेंगे। पर यहाँ पे मैं जैसे ही आया ना, तो राइट से कोई भी फायर नहीं आया मेरे ऊपर, मतलब कि वो बंदा कहीं और से आने की सोच रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऊपर वाला बंदा रिवाइव दे रहा है अपने टीममेट को, ये बात हम समझ जाते हैं। पर तभी तो नाम है डीटी, बजा देते अच्छे अच्छों की सिटी। यहाँ पे ये बंदा जल रहा था, मेरे को दिख गया था, और मैंने सोचा क्यों ना M24 ट्राई करते हैं, क्या पता लो एचपी है तो एक गोली में मतलब बॉडी शॉट भी मारेंगे तो मर जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे क्विक स्कोप मारते हैं, बंदे की बनती पेटी, पूरी टीम थी खत्म हो गई, चारों किल मेरे को मिली यहाँ पे, काफी अच्छा लगा।
थोड़ी देर के लिए मेरे को लगा कि यहाँ पे अपना खेल खत्म है, क्योंकि जो शेक वाला बंदा था ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो अंदर होगा, मोली फेंक के जला दूंगा, पर भाई सब तो कोने में ही खड़े थे और पीक करके काफी अच्छा मारा उनने मेरे टीममेट को, और उसके बाद मेरे को भी मारने ही वाले थे, पर यहाँ पे अपन ने हल्का सा जंप मार दिया और बंदे को नॉक कर दिया और दोनों की पेटी बना दी। अपने टीममेट को रिवाइव भी दे देता हूँ, बच जाते अभी के लिए हम लोग। पर भाई इनके दो बंदे और आ रहे हैं अभी अभी, मतलब जैसे लूट रहे थे ना तभी देखो। चलो भाई इसी के साथ यहाँ पे पूरी पूरी टीम को मैंने लॉबी पहुंचा दिया है। बिल्कुल दो बंदे वो थे शेक वाले और ये उन्हीं के टीममेट थे, तो यहाँ पे चारों को मार दिया, खत्म कर दी कहानी इनकी। अब गाइज इसी बात पे लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो फटाफट से, शेयर कर दो वीडियो को सारे दोस्तों के साथ, और अभी तक गेम प्ले मजा आ रहा है, वीडियो देख के मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। अब बढ़ते अपन आगे, जैसे ही मैं अकेले लेके हम लोग इधर जा रहे थे तभी मेरे को सामने से गोली चलने की आवाज आती है, और यहाँ पे जो टीम्स होती है ना काफी खतरनाक खतरनाक होती है, मतलब कहाँ कहाँ चढ़ी आप लोग देखो, मतलब इनको मारना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो देख रहे हो आप लोग इस टीम की स्ट्रेटजी, एक बंदा सबसे ऊपर चढ़ के बैठा है, एक बंदा बीच में कहीं पे था शायद बिल्डिंग के, और एक बंदा बाहर की तरफ है ब्रोकन वॉल के पीछे। फुट साउंड से इतना पता चल रहा था तो मैं यहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ, सोचता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ और फिर डिसाइड कर लेता हूँ कि यार अपन जो है रश करते हैं सीधा का सीधा इस ट्रिपल स्टोरी के अंदर घुसते हैं। और देखो मैं बोलता हूँ टीममेट को कि तुम पहले जाओ, उसके बाद अगर कोई पिक करेगा तो मैं उसको मारूंगा और फिर मैं आ जाऊँगा। और गाइस देखो ये टीम सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मारना मुश्किल होता है इनको। हम लोग को यहाँ पे जितना टाइम लेना था उतना हमने लिया, जितना सब्र करना था उतना हमने किया, और बिल्कुल यहाँ पे इस टीम को हमने पूरी पूरी टीम को मार भी दिया। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस, कभी कभी मतलब पेशेंस भी कुछ ऐसा काम कर जाता है ना जो हम शायद जल्दबाजी में नहीं कर पाए, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने मार दिया। उसके बाद हम जैसे ही देखते हैं कि सामने एक ड्रॉप पड़ा है तो क्यों ना वेस्ट उठा ली जाए, थोड़ा लेवल 3 हो जाएंगे पूरा तो मज़ा आ जाएगा। पर भाई तभी आती है पूरी पूरी टीम सामने से गाड़ी लेके।
ये पूरे चार बंदे थे जिनमें से एक बंदा मैंने यहाँ पे गिरा दिया है, तो इसको तो हम फिनिश कर देंगे। और मैं सोच रहा था कि ये टीम यहाँ पे रुकी होगी, पर नहीं, ये तो गाड़ी लेके दूसरे कंपाउंड में जा चुकी है मेरे से खेलने वाली स्नाइपिंग स्नाइपिंग। तो मैंने कि ठीक है यार, अपन भी थोड़ा हाइट पे रुकते हैं। अब डीपी वाले बंदे को मैंने यहाँ पे शांत तो कर दिया, पर दूसरा बंदा एक और था जो कि स्नाइपर चला रहा था, तो वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी देख रहा था वो छुप जा रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी देर टाइम पास चलता है, जोन भी आ जाता है, तो ये बंदे गाड़ी लेके जोन की तरफ आ जाते हैं। और अब गाइस देखना आप लोग, मतलब सब तरफ बंदे होंगे और हम होंगे बीच में, तो कैसे क्या बचते हैं यहाँ पे देखो आप लोग बस। Mark the location. अब ये बंदा क्यों जंप कर रहा था मेरे को नहीं पता। देखो जो सामने आ रहा है मैं तो मार रहा हूं। अब ये बंदा तो फिनिश हो गया, पर एक बंदा मैंने नोक किया था ना M24 से, उसकी पूरी टीम बची है। ये वही बंदे जो कि मेरे से लड़ रहे थे, डीपी थी और एक बंदे के पास गिली सूट था जो कि स्नाइपिंग कर रहा था। बिल्कुल, तो वो टीम बची थी। तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि अंधा रश करूंगा और बम इतने फेंकूंगा कि सामने रेड जोन बना दूं। ये वाली टीम जब भी दूर से लड़ रही थी ना तो बहुत ज़्यादा उछल रही थी, पर जब पास में आए ना ये लोग तो पता नहीं यार क्या हगे खतरनाक तरीके से। दो बंदे तो बम से ही फट गए, तीसरा बंदा यूं ही मर गया। तो जो भी यहाँ पे इनको मार दिया हमने, अब एक आखिरी बंदा बचा है और अब मेरे 28 किल है, तो आखिरी को भी मार लेंगे तो 29 ही होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार काश एक किल और मिल जाती तो शायद से 30 का मतलब वो हो जाता ना, तो थोड़ा अच्छा लगता। पर दिक्कत कोई बात नहीं, दुख नहीं होना यार, 29 भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं घूमता हूँ ना तो मेरे को बंदा दिख जाता और फिर मैं यहाँ पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ यार इसको M24 से ही मारेंगे। तो देखो क्या मैं मार पाता हूँ इसको M24 से। तो यहाँ पे 500 गोली चलाने के बाद, मतलब 5 गोली चलाने के बाद बंदे की पेटी बनाई है, मतलब काफी शर्म की बात है। पर जो भी यहाँ पे M24 से मैंने सोचा था बनाई ना M24 से पेटी। तो इस बात पे गाइस लाइक कर दो, गेम प्ले यही तक था बस। तो गेम प्ले अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। मिलते अपन कल किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।